वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों, आज सुबह हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर हमने बात की थी मास्टर के हिंदी टीजर के बारे में, ठीक है। तो उस वीडियो को बहुत ही कम समय में कुछ ज्यादा ही व्यूज आ गए मेरे रेगुलर वीडियोस के मुकाबले में। तो मैं एक चीज तो समझ गया कि ये जो ऑडियंस आ रही है मेरी रेगुलर ऑडियंस नहीं है, क्योंकि मेरी रेगुलर ऑडियंस इतनी जल्दी मेरे वीडियोज को देखने आती नहीं है, 24 घंटे के अंदर ही आती है। पर ये जो ऑडियंस थी काफी नई ऑडियंस आई इस वीडियो को देखने के लिए, जहां पर काफी सारी ऑडियंस ऐसी थी जिनको उस वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि मैं फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैला रहा हूं या फिर मैं फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैंने पूरे वीडियो के दौरान एक भी लाइन में ऐसा नहीं कहा कि ये जो फिल्म है कहीं पर कमजोर नजर आ रही है। मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि फिल्म की डबिंग के बारे में भी मैंने एक वर्ड खराब नहीं बोला। मैंने बस इतना बोला कि संकेत मात्रे की जगह अगर शाहनूर मिर्जा या फिर राजेश कावा की आवाज सुनने को मिलती, जहां पर शाहनूर मिर्जा ने इससे पहले थेरी भैरवा जैसी फिल्मों में विजय को आवाज दे चुके हैं, तो अगर वो आवाज हमें सुनने को मिलती तो वो जो ऑप्शन था वो बेटर ऑप्शन था। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था और शायद मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई डिसएग्री कर सकता है। तो हमने बस इतनी बात की और बाकी हमारा जो पूरा का पूरा वीडियो था वो पूरी तरह से फोकस था फिल्म के प्रमोशंस को लेकर, फिल्म के हिंदी वर्जन के मार्केटिंग और रिलीज को लेकर हमने पूरी तरह से बात की, जहां पर हमारा एक एक वर्ड एक एक लाइन यही बता रहा था कि फिल्म के हिंदी प्रोड्यूसर्स किस तरह से बहुत ही कैजुअली इस फिल्म को ले रहे हैं और बहुत ही मतलब कैजुअली फिल्म की मार्केटिंग और रिलीज पर ध्यान दे रहे हैं। इसके बारे में हमने बात की थी, जहां पर हमने काफी ऐसी चीजें बताई जिसको देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि जो हिंदी प्रोड्यूसर्स हैं वो इस फिल्म को लेकर कितने मतलब बिंदास हैं, मतलब वो एफर्ट नहीं दे रहे हैं जिस एफर्ट के साथ इस फिल्म को हिंदी में हिट करवाया जा सकता है या फिर अच्छा खासा मार्केटिंग करवाई जा सकती थी। तो इस बारे में हमारा वो वीडियो था, पर काफी लोगों ने उसको नेगेटिव तरीके से लिया। पर मैं जानता हूं जो हमारी ऑडियंस है वो जानती है कि हमारे चैनल पर साउथ फिल्मों को लेकर किस तरह से बात होती है। और अगर आप फिर भी नए ऑडियंस हो तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर कुछ वीडियोस पड़े हैं, कुछ नहीं काफी सारे वीडियोस पड़े हैं, जाइए देखिए। अगर यकीन नहीं होता तो मास्टर के ही कुछ पिछले वीडियोस देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम फिल्मों के लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं या पॉजिटिविटी फैलाते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो आज इस वीडियो का टॉपिक है। तो टीजर को देखने के बाद एक चीज हर किसी के जहन में एक डर बैठ गया था कि जिस तरह से टीजर के अंदर रैप सॉन्ग को हटा दिया गया है, दबा दिया गया है, क्या इसी तरह से पूरी फिल्म में होने वाला है? अगर ऐसा होता तो जो एक्सपीरियंस है उस पर काफी बड़ा असर पड़ सकता था, पर ये जो डर है अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जी हाँ, हमें लग रहा था कि शायद गाने हट जाएंगे, पर कोई गाने अब शायद नहीं लगता है कि हटने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का पहला गाना आ चुका है। जी हाँ, शायद आप में से काफी लोग अब तक पता ना हो तो मैं बता दूं, सोनी म्यूजिक इंडिया पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का पहला गाना यानी कि छोटी स्टोरी आ चुका है। जी हाँ, ये हिंदी डब वर्जन है फिल्म के, तमिल वर्जन के गाने यानी कि कुट्टी स्टोरी का तमिल वर्जन को गाया है विजय दलपति और अनिरुद्ध रविचंद्रन ने, और वहीं हिंदी वर्जन को यहाँ पे गाया है नक्श अजीज ने। नक्श अजीज को आप में से काफी लोग जानते होंगे, काफी हिट हिट गाने इन्होंने गाए हुए हैं, इवन इससे पहले भी अभी जो दरबार आई थी उसमें भी उन्होंने गाया था। और जितनी भी फिल्में साउथ की फिल्में हिंदी में डब होती हैं उनके जो गाने रहते हैं उनमें अक्सर उनकी वॉइस हमें सुनने को मिलती है। वैसे मैं म्यूजिक को लेकर कोई बहुत ज्यादा नॉलेज तो रखता नहीं हूं, तो म्यूजिक के बारे में मैं कुछ ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, पर यह कहना चाहूंगा कि अगर आप फिल्म के हिंदी डब वर्जन के इस गाने को सुनते हो तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी डब्ड वर्जन को सुन रहे हो। लिरिक्स जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए हैं और ये गाना जो है सुनने में उतना ही अच्छा लगता है जितना फिल्म का तमिल वर्जन लग रहा था। हालांकि विजय की आवाज की अलग ही बात है, पर यहां पर भी ये जो हिंदी वॉइस है वो भी काफी बढ़िया नजर आ रही है। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो था, या फिर कहें एक छोटी सी अपडेट थी, या फिर कहें कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए ये वीडियो बनाया था। अगर गाना नहीं सुना है जाइए, सोनी म्यूजिक इंडिया पर गाना आ चुका है, और ये जो बात है ये सही में हर एक फैन के लिए काफी खुशी की बात है कि फिल्म के गाने हमें ओरिजिनल वर्जन में या फिर हिंदी डब वर्जन में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बस यहीं तक था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।